स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। मध्य प्रदेश अपनी अजब गजब खबरों के लिए हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। अब सूबे के प्रसिद्ध दंडरावा धाम भिंड जिले में आयोजित विशाल भंडारे में इस्तेमाल हो रहे बुलडोजर की चर्चा है। इस भंडारे में जेसीबी मशीन से लेकर सीमेंट कंक्रीट मिक्सर तक का उपयोग किया जा रहा है। रोजाना लाखों लोग यहाँ भोजन खा रहे हैं और इस काम के लिए 700 हलवाई और करीब 10,000 स्वयंसेवक लगे हुए हैं। दरअसल दंडरावा धाम पर इन दिनों सीए प्रिय मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरन शास्त्री दंडरावा धाम पर हनुमत कथा सुना रहे हैं। इस आयोजन में प्रतिदिन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। भंडारा इतना विशाल है कि जो भी देखता है वह हैरान रह जाता है। इस भंडारे को तैयार करने के लिए 700 हलवाइयों की टीम लगी हुई है, जो कि दिन रात भोजन पकाने का कार्य कर रही है। हलवाई में 450 पुरुष और 250 महिलाएं शामिल हैं। दिन और रात की दो शिफ्ट में यहां पर हलवाई भोजन पकाते हैं। इसके साथ ही सुबह की शुरुआत नाश्ते के साथ होती है। यहां प्रतिदिन 20 क्विंटल पोहा और 8 क्विंटल सूजी का उपयोग कर सुबह का नाश्ता तैयार किया जाता है और यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु समेत यहां रह रहे अन्य लोगों को भी नाश्ता परोसा जाता है। दंडरावा धाम पर गंगा और यमुना नाम के दो बड़े कड़ाहे हैं और इन कड़ाहों में एक बार में 20 क्विंटल आलू की सब्जी बन जाती है। इतने बड़े कड़ाहे में सब्जी निकाल कर ट्रॉली में भरने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा है। जेसीबी मशीन की मदद से सब्जी को ट्रॉली में भरकर श्रद्धालुओं को परोसने के लिए भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, मालपुओं का घोल तैयार करने के लिए सीमेंट कंक्रीट मिक्सर का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही एक साथ 40 कढ़ाइयों पर भोजन तैयार किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि प्रसाद ग्रहण करने वाले जितने श्रद्धालु हैं उन्हें भोजन परोसने के लिए 10,000 स्वयंसेवक मौजूद हैं और लाखों में भी भोजन करने के लिए श्रद्धालु आएंगे तो परोसने के लिए भी 1,000 लोग मौजूद हैं। यहां पर खास बात यह है कि भंडारा इतना विशाल है कि भंडारे में हलवाइयों को जेसीबी मशीन और सीमेंट कंक्रीट मिक्सर का उपयोग करना पड़ रहा है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ से।